हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम वर्कशीट 80 करने जा रहे हैं, जो कि 4 फरवरी की है, इंग्लिश की है, क्लास 9th की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच से शुरू करेंगे आज हम। फॉर चेंजिंग स्टेटमेंट्स, जब हम किसी स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ रूल होते हैं। जो रिपीटिंग वर्ड सेड है, इसको टोल्ड, रिप्लाइड या रिमार्क्ड में चेंज कर दिया जाता है। द इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है, और जो कंजक्शन है इनको कनेक्ट कर दिया जाता है क्लॉजेस के संग। यानी कंजक्शंस यूज हो जाते हैं, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो मोहन सेड, मोहन ने कहा आई लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। अब ये किस में चेंज होगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो मोहन सेड दैट ही लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, जैसे मोहन सेड आई एम रीडिंग अ कॉमिक बुक। तो ये क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट ही वाज रीडिंग अ कॉमिक बुक। अब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, मोहन सेड आई हैव रीड अ कॉमिक बुक। वहीं पास्ट परफेक्ट में मोहन सेड दैट ही हैड रीड अ कॉमिक बुक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मोहन सेड आई हैव बीन रीडिंग अ कॉमिक बुक। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मोहन सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ कॉमिक बुक। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, मोहन सेड आई रीड अ कॉमिक बुक, मोहन सेड दैट ही हैड रीड अ कॉमिक बुक। तो इस तरह से ये हमने कुछ रूल जान लिए। अब हम बाकी रूल आगे की वर्कशीट्स में जानेंगे धीमे धीमे, जिससे हमें सही से समझ आए। तो आइए कुछ प्रोनाउंस और वर्ड्स चेंज होते हैं वो देखते हैं। आई ही शी में बदल जाता है, मी हिम हर में बदल जाता है, माई हिज हर में बदल जाता है, दिस दैट में बदल जाता है, वी दे में बदल जाता है, नाउ देन में बदल जाता है, टुडे दैट नाइट में, टू नाइट दैट नाइट में, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द डे, द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक द वीक बिफोर। इस तरह से दोनों सेम रहते हैं। एगो का बिफोर हो जाता है, जस्ट का देन हो जाता है, कैन का कुड, मे का माइट, शॉल का शुड एंड विल का वुड। ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये सिंपल ऐसे ही लिखे जाते हैं, कहीं कोई भी टेंस हो तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। और ये भी यूज करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रीमा सेड आई सॉ अ लायन इन द जू लास्ट वीक। तो सिंपल पास्ट हो गया। तो रीमा सेड दैट शी हैड सॉ अ लायन इन द जू द वीक बिफोर, लास्ट वीक की जगह द वीक बिफोर हो गया। ही सेड, उसने कहा आई कैन सॉल्व दिस सम। तो ये क्या है? ये जो है हमारा, ये प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा? He told that he could solve the sum. Can का could हो जाता है। रीता से, रीता ने कहा I will invite you to my birthday party speech. तो इसको would को क्या हो जाएगा? Would will का would हो जाएगा। रीता said that she would invite you to her birthday the next day. Tomorrow का the next day. My mother told me I will help you finish your homework. तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? हर मदर टोल्ड हिम दैट शी वुड हेल्प यू इन फिनिश योर होमवर्क। शी सेड आई विजिट माय पेरेंट्स यस्टरडे, यस्टरडे के लिए द डे बिफोर। शी टोल्ड दैट शी हैड विजिटेड हर पेरेंट्स द डे बिफोर। मोहित सेड टू नीता आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। मोहित टोल्ड टू द नीता दैट ही कुड हियर द वाटर वॉज गर्गलिंग इन द पाइप। टीना से, टीना ने कहा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। टीना सेड दैट दे वर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से वर्कशीट आप लोगों की खत्म होगी। अब आप सभी आंसर्स को लिखेंगे, और ये वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के संग भी इस वर्कशीट को शेयर करें।